गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिमेंटिक टैग्स की एचटीएमएल में, कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर उनको किस तरह मीनिंग दी जा सकती है और किस तरह सर्च इंजन्स की मदद की जा सकती है, या फिर वो लोग जो कि वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं उनकी मदद की जा सकती है, एंड इन टर्न उनसे मदद ली जा सकती है। अब उनसे क्या मदद लेंगे आप? मान लो आपका ब्लॉग है, उसमें आपने कोई एलिमेंट लगाया है। अगर आपको एक तरीका मिल जाए अपने सर्च इंजन वाले को, यानी कि गूगल को बताने का कि मैंने ये जो टैग लगाया है, ये टैग मैंने लगाया है नेविगेशन बार के लिए, ये टैग मैंने लगाया है आर्टिकल के लिए, ये टैग मैंने लगाया है हेडर के लिए, ये फुटर के लिए, तब क्या होगा? एक बहुत ही अच्छी तरह से आपकी वेबसाइट पार्स की जाएगी पार्सर्स द्वारा सर्च इंजन के, और आपकी वेबसाइट इंडेक्स करके अच्छी तरह से रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है गूगल की। तो देखते हैं ये सब है क्या, किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, यहाँ पर tut12.html बनाऊंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट, तो मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ, मेरी बात बहुत सारे लोगों को अजीब भी लगती होगी कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बट मेरे पास अभी भी कमेंट आ रहे हैं बीच बीच में वीडियो से कि टाइटल से स्टार्ट क्यों किया, वाई डिंट यू स्टार्ट विद हाउ वेबसाइट वर्क, वाई डिंट यू स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूँ हर वीडियो को स्टार्टिंग में ही, जब तक कॉमेंट आने बंद ना हो जाएँ। अगर आप चेक करो तो बहुत सारे कॉमेंट्स पड़े हैं अभी भी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से चालू क्यों किया, स्टार्टिंग से पढ़ा देते। तो ये वेबसाइट सॉरी ये मेरी प्लेलिस्ट है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, HTML का बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा सबसे पहले तो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर टाइटल डालूंगा। और यहाँ पर इसके बाद मैं डायरेक्ट CSS आप लोगों को बताऊंगा, और सेमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना इस चीज़ को ही क्या है। अब यहाँ पर लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ गो लाइव पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मेरा ये जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? सेमेंटिक्स का मतलब होता है मतलब, यानी कि किसी एक वर्ड को मीनिंग देना, ठीक है, एक शब्द का क्या मीनिंग है, इसको सेमेंटिक्स कहते हैं, लैंग्वेज सेमेंटिक्स। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, तो पहले जो वेबसाइट्स बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी सिर्फ डिव की मदद से, अलग अलग डिव लगा देते थे और उसमें अलग अलग क्लासेस और आईडीज लगाते थे, और उनको हम बोलते थे कि ये वाली जो आईडी है डिव आईडी इज इक्वल टू हेडर को ऊपर रख देना, डिव आईडी इज इक्वल टू फुटर को नीचे कर देना। लेकिन एक तरीका नहीं था सर्च इंजन को बताने का कि ये जो एलिमेंट है वो हेडर है या फुटर है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, HTML सिमेंटिक टैग्स, ठीक है, कोई इमेज मुझे अच्छा सा मिले अगर तो मैं उसको खोलूँ, और ये देखो मुझे मिल गया। मैं इस इमेज को बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये देखो, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, हेडर नेव सेक्शन आर्टिकल फुटर असाइड, ये यहाँ पर इमेज एक दी हुई है जिसमें सबसे टॉप पे हेडर है, ये नेव है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है, असाइड है और फुटर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, तो आप हेडर टैग यूज़ कर सकते हो ये बताने के लिए, कि ये इंडिकेट करने के लिए कि आपका ये वाला जो टैग है ये आपका हेडर है, यानी कि वेबसाइट के सबसे टॉप पे। नेव आप यूज़ कर सकते हो ये जताने के लिए कि आपका ये जो वेबसाइट है ये नेविगेशन बार है आपकी वेबसाइट का, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसके अंदर नेविगेशन बार है। तो जो भी सर्च इंजन्स क्रॉलर्स या फिर जो भी आपके प्रीव्यू को दिखाते हैं वेबसाइट के, जैसे आप फेसबुक पर लिंक वगैरह शेयर करते हो तो प्रीव्यू दिखाया जाता है, तो वो सारे लोग जो हैं बड़े आराम से पता लगा पाएंगे इस चीज़ को कि कौन सा नेविगेशन बार है, कौन सा एक्चुअल सेक्शन है, कौन सा एक्चुअल आर्टिकल है, कौन सा फुटर है, कौन सी चीज़ साइड में पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ आपकी वेबसाइट में अच्छी तरह से इंडिकेट की जाएगी। अब सवाल उठता है क्या इसको यूज़ करना ज़रूरी है? देखो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट की अच्छी तरह रैंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। SEO एस्पेक्ट से देखें तो हाँ ज़रूरी है, अगर आपका एक ब्लॉग है इसको आप अच्छी तरह से डिवाइड करें हेडर फुटर सेक्शन आर्टिकल असाइड और नैव में, ठीक है। तो जो हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ज़रा, सिमेंटिक एलिमेंट्स। और एक मोजिला की वेबसाइट है जिसमें सिमेंटिक एलिमेंट्स सारे के सारे दिए हुए हैं, ये रहा आर्टिकल असाइड डिटेल्स फिक कैप्शन फिगर फुटर, ये सारे के सारे जो हैं आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ क्या है। फिगर का मतलब कोई फिगर है, फिक कैप्शन का मतलब उस फिगर का कैप्शन है, फिर डिटेल्स असाइड समरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे टैग्स जो हैं ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात की जाए तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? नॉन सिमेंटिक एलिमेंट का एग्जांपल हमारा डिव है, हमारा स्पैन है,
और हमारा ये सारे के सारे जो है नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स है, क्योंकि ये बताते नहीं है कि इनका क्या काम है वेबसाइट में। डिव मतलब डिवीजन होता है बस, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताता अपने बारे में कि कहाँ पर होने वाला है वो। जैसे हेडर की अगर बात की जाए तो हेडर हमेशा टॉप पर रहेगा, फुटर नीचे रहेगा, नैव जो है वो नेविगेशन में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करें, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम जल्दी से CSS में मूव करेंगे ताकि हम एक्चुअल वेबसाइट्स बना पाएँ। तो इस वीडियो के बाद CSS हम देखेंगे, देखेंगे CSS में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये जो समरी टैग है इसके बारे में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। अगर मैं कोड कॉपी करूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट करूं, तो ये देखो डिटेल्स के अंदर मैंने यहाँ पर समरी डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसके कंटेंट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने डाला हुआ है ये, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। और ये एक्चुअली समरी टैग का काम नहीं है, डिटेल्स का काम है। तो अगर मैं समरी हटा भी दूँ यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर ये समरी में हटा भी दूँ तब भी मुझे ये देखने को मिलेगा। देखो डिटेल्स, और इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखो सारा का सारा ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर समरी के अंदर ये लिखा, अब मैं कंटेंट को अगर मान लो बहुत बड़ा कर दूँ कुछ इस तरह से, ये देखो मैंने रिलोड किया, ये देखो कीबोर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड। तो मैं इस तरह से इसको कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे इस चीज़ का क्या काम है। अगर मैं यहाँ पर समरी को कुछ इस तरह से लगा दूँ यहाँ सबसे एंड में, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये पूरा का पूरा शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो समरी के अंदर आएगी चीज़ वो हमारी कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, और बाकी फिर जो डिटेल्स के अंदर है, जैसे मान लो डिटेल्स के अंदर मैं अगर लॉरेम मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ, लॉरेम 34 करता हूँ। ठीक है, लॉरेम 34 किया मैंने, और ये देखो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लॉरेम 34 जो है मेरा डिस्प्ले होगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इसको और बेटर तरीके से करने के तरीके भी हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम देखेंगे आगे। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, लॉरम 34 को एक्सपेंड नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से इसको एक्सप्लोर करें, लॉरम 40 लिख कर देखें, लॉरम 5500 लिख कर देखें, सब चीज़ें लिख कर देखें। और बाकी के जो हमारे सिमेंटिक टैग्स हैं जो कि हमने अभी देखे थे इस वेबसाइट पर, ये सारे के सारे आप लोग एक्सप्लोर करें, और इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा आपको। बट एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये है कि एक एक टैग के बारे में याद करना, एक एक टैग का एक एक एट्रीब्यूट याद करना, HTML को सुपर मास्टर करना, इससे अच्छा है कि आप लोग HTML जल्दी से सीख कर CSS पे मूव करें, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सीखें, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सीखें। एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर, एक बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल पर सीख लें एलिमेंट्री के बाद, और उसके बाद एक बार आपको एक फाउंडेशन बन जाती है तो आप ज़िंदगी भर सीखते रह जाओगे। और तब भी आप पूरी HTML, पूरी CSS, पूरी जावास्क्रिप्ट 110% नहीं सीख पाओगे, कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे लॉजिक में, जावास्क्रिप्ट में भी। तो एक आपकी जो लेवल है वही इंप्रूव होती है वेब डिज़ाइनिंग में। कभी आप एक बादशाह नहीं बनते हो, ऑब्वियसली यू विल कैन अचीव 98% आप अचीव कर सकते हो एक्सेलेंस का, लेकिन 98% एक्सेलेंस भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बस स्टार्ट करें, अपना टारगेट ये रखें कि HTML को 110% मास्टर करने से बेहतर ये है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों को 75-75% मास्टर करें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक ही चीज़ में फंस जाएंगे तो वहीं पर फंसे रह जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम HTML को इतना रखते हुए अब अगली वीडियो में CSS देखेंगे, और देखेंगे CSS को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग में। सो आई होप कि आप लोग ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ये प्लेलिस्ट जो है इसको ज़रूर एक्सेस करें। और जो भी लोग लिख रहे हैं कमेंट में, मुझे नहीं मालूम ये लोग कौन हैं जो मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैं बीच से पढ़ा रहा हूँ, उनको प्लीज़ ये प्लेलिस्ट दिखा दो, उनको बता दो रिप्लाई करके कि ये प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। और मैं तो हर वीडियो में बता ही रहा हूँ, और आप लोगों को बोलता भी हूँ बुक मार्क करके इसको सेव कर लो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।